मेरे साथ हैं पेशेंट जिनका आज हेयर ट्रांसप्लांट होने वाला है। तो आज मैं पहला एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसपे मैं पेशेंट का प्री रिव्यू लूंगा हेयर ट्रांसप्लांट से पहले, प्री इंटरव्यू। देखते हैं कि वो अभी कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हो तो आपके अंदर भी वो शायद वो फीलिंग आती होगी। तो वो सारी चीज़ें आज पूछूंगा इनसे। अभी एग्जाम होने वाला है एक घंटे के बाद तो नर्वस हूँ, थोड़ा सा दर्द तो रहेगा ही, वो इवन ऊपर तक है। तो ये डोनर एरिया का कंडीशन है कुछ। हेलो हला नमस्ते सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। तो भाई ने डिसाइड कर लिया है ट्रांसप्लांट कराने का, आज है 23rd of August। तो अभी मुझे आप बताएं कैसा फील हो रहा है आपको? फील थोड़ा थोड़ा सा डर है नर्वसनेस के कारण शायद, और ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब अभी एग्जाम होने वाला है एक घंटे के बाद और जैसा डर लगता है एग्जाम के पहले बस वैसे ही डर है थोड़ा। फीलिंग कुछ भी नहीं, जैसा थोड़ा थोड़ा नर्वस हूँ, देखते हैं। अभी कभी कराया नहीं है, लेकिन आज ने जो कॉन्फिडेंस दिया है उसके कारण थोड़ा कॉन्फिडेंट है, थोड़ा सा तो नर्वस होता ही है, क्या होगा बट देखते हैं आगे। तो वो क्या डर भी बना हुआ है? हाँ थोड़ा सा डर तो रहेगा ही। एक बार लुक दिखा सकते हैं कैसा अभी कंडीशन है बालों का? जरूर। तो आप देख सकते हो ये है अभी फिलहाल कुछ कंडीशन, फ्रंटल एरिया यहाँ पे जा चुका था, ये गैप है, और बाकी जो साइड सेटिंग होती है ये पूरी हो जा चुकी है, यहाँ से ये पूरे बाल जा चुके थे, वो इवन ऊपर तक है, और क्राउन एरिया पे भी बहुत ज़्यादा लाइट हो गया इनका, आप देख सकते हो। बाकी डोनर एरिया में आप लोगों को आप एक बार देख सकते हो, ये डोनर एरिया का कंडीशन है कुछ। बाल कुछ ग्रे भी हैं, एक दो बाल ग्रे हैं डोनर एरिया में, डोनर एरिया लुक अच्छा आ रहा है। बाकी क्राउन का ये कंडीशन है कुछ। और जो अभी आप फील कर रहे हो कि हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मुझे क्या होना चाहिए, कुछ अपने अपडेट कुछ रिव्यू शेयर करना चाहोगे आप? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब बहुत पहले से सोचा था कि हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा, लेकिन वही कोरोना के कारण आ नहीं पा रहा था, लेकिन अभी मौका मिला है, कोरोना के केसेस कम हुए हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया कि हाँ चलो करा लेते हैं। तो बहुत पहले से सोच रखा था और शायद आज टाइम आ गया है कराने का। अब कुछ नहीं, थोड़ा बड़ा तो नर्वसनेस रहेगा कि पहली बार ऐसा कुछ करा रहा हूँ। ओके, तो अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहा है तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? आपने तो प्लान कर लिया, फाइनली डिसाइड हो, अगर कोई सोच रहा हो कराने के लिए तो उसको आप क्या सजेस्ट करोगे? अभी मैंने कराया तो नहीं है ट्रांसप्लांट, अब कराते हैं, कराने के बाद क्या होता है कैसा होता है कुछ चीज़ें उसके बाद ही बता सकता हूँ कि क्या मतलब कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। और बाकी अभी तो मेरा वही सेम कंडीशन है, मैं आ गया हूँ। तो आपने डिसाइड कैसे किया कि ट्रांसप्लांट कराना चाहिए मुझे? अंश ने बताया ऐसा ऐसा प्रोसीजर है, ऐसा होता है, तो मैंने भी सोचा कि हाँ बढ़िया तो है, उसका सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हुआ, तो मैंने सोचा कि सब सही है, बढ़िया है, करा सकते हैं, मतलब हेयर तो वापस आ जाते हैं बढ़िया अच्छा खासा, तो मैंने भी रंस को फॉलो किया और सोचा कि करा लेते हैं, और कुछ भी नहीं करना। कुछ और अपडेट देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? कुछ नहीं यार, सोच रहे हो तो चिल मारो और आ जाओ, और क्या करवा दो सीधा, करवा लो, कोई टेंशन नहीं है। तो देख लो भाई आप लोग कॉन्फिडेंस अभी कितना कॉन्फिडेंस है, अच्छे से इन्होंने बताया कि कोई भी डर नहीं है, जो एग्ज़ाम से पहले वाला डर होता है सेम वही डर है, बस प्रिपेयर रहो, एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए। बाकी तो हेयर ट्रांसप्लांट एक छोटा सा प्रोसीजर है, कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, छोटी सी कॉस्मेटिक सर्जरी हो जाती है। तो यही अपडेट देना था आप लोगों को प्री सर्जरी का, जो इंटरव्यू में आप लोगों को दिखाया है। बाकी दिखाते हैं आपको रिजल्ट कैसा आएगा इनका, कितने ग्राफ्ट लगेंगे, कैसे प्रोसीजर होगा। पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसमें आप जाके देख सकते हो, मैंने लाइव सर्जरी का वीडियो भी अपलोड किया है, वहाँ पे आपको A to Z मिलेगा कैसे सर्जरी होती है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस वहाँ से भी आएगा, पेन ज़्यादा नहीं होता है, बाकी जो थोड़ा बहुत पेन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा अपने। ऑल द बेस्ट भाई को, और रिजल्ट का मैं इनको ऑल द बेस्ट करता हूँ, रिजल्ट आप लोग भी ऑल द बेस्ट करें, इनका रिजल्ट अच्छा आएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं इनको कितने ग्राफ लगने चाहिए, तो कुछ पर्सनल क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझे। तो बी फिट बी एक्टिव, बाय बाय।